मेरा नाम प्रभा है। मेरा नाम प्रभा है। मैं बड़कान काव में, मेरा नाम प्रभा है, कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला देंगे। मेरा बेटा पांच साल का हो गया था पर बोलता नहीं था, शब्द नहीं था उसकी वाणी। गुरुदेव कोई उसको माइंड से बेकार बताता, कोई उसको निपट गूंगा कह जाता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ कहता, उसकी वाणी नहीं। कहीं बैठी हो प्रभा जी तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो। पांच साल तक मेरा बेटा नहीं बोल पाता। जब पांच वर्ष तक मेरा बेटा नहीं बोला, तब 2021 में आपकी पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी और आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर पांच बेलपत्र, एक दुर्वा का जो उपाय बताया था वो हमने करना प्रारंभ किया। पहली बार हमने 2021 में जब उपाय करा, पांच साल हो गए थे मेरा बच्चा के मुंह से आवाज नहीं निकला, शब्द नहीं निकला, वो बोल नहीं सका। और पहली बार मैंने 2021 में आपकी कथा सुनी और कथा पर विश्वास करकर टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर कथा सुनती और बाबा की कृपा का ऐसा गुणगान हुआ गुरुदेव। उस कथा के बाद मैंने जो उपाय करा, उपाय करने से पांच साल के बाद मेरे बेटे ने बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। पांच वर्ष के बाद उसकी वाणी आई। पांच वर्ष के बाद उसकी जिभ्या बोल पाई, उसकी वाणी निकल पाई। और भाई खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। एक पत्र और है। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहाँ बैठी? अच्छा उधर है क्या? हाथ हिला दो, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। हाथ हिलाओ एक बार, कैमरे में दिख रहा, कैमरे में दिख रहा होगा, एलईडी में दिखा होगा। एलईडी वाले एलईडी पे दिखा दो, आ गई एलईडी पे। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभु राम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। मैं गुरु बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव का क्या गुणगान करूं। मैं 15 साल का बेटा हूं। मेरे लीवर में दिक्कत थी जिसमें मेरे पेट में दर्द होता था, खून की कमी हो गई और लीवर के साथ में लीवर डैमेज होने लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट से मुझे इन्फेक्शन था जिसमें मैं गेहूं की रोटी खाने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने मुझे दवा दी, दवाई में निरंतर खाता रहा, पर मेरी आज तक 15 साल का हो गया, अभी तक मेरा लीवर काम करना चालू नहीं करता। अन्न नहीं खा सकता मैं, उसमें गेहूं की रोटी नहीं खा सकता। आज मुझे 8 साल से लगातार मैं केवल बेसन की रोटी खाता हूं या चावल खाता हूं, पर अन्न नहीं खा पाता और लीवर भी मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं करूं तो करूं, खून मेरा बनता नहीं,
और मेरा लीवर काम करता नहीं। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे जीजा जी के साथ सितंबर में सीहोर पहुंच गए और वहां हमने 5 सितंबर को 5 दिन कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष लिया और बाबा की कथा को श्रवण किया। कथा सुनने के बाद कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनती कर आए कि जिस दिन से हम रुद्राक्ष का जल पीना चालू करेंगे उस दिन से हम अन्न खाना प्रारंभ करेंगे, हम गेहूं खाना प्रारंभ करेंगे और लीवर सही करना जवाबदारी आपकी है। हमने रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाया। नंदी के पास बैठकर उस जल को लेकर हमने नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए नंदी को छूते हुए उस जल को पीना प्रारंभ करा। हमने कहा बाबा आज 15 साल के बाद में पहली बार मैं अन्न खाने जा रहा हूँ, नंदी बाबा आप शिवजी से कहना मेरा स्वास्थ्य ठीक करें। बाबा हमने उस दिन गोली को छोड़ दिया और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। मुझे पूरा 1 साल होने को जा रहा है, मैंने अन्न खाना प्रारंभ कर और मेरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने डॉक्टरों को जांच कराई तो मेरा लीवर पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया हूँ, मेरा ब्लड भी बढ़ना प्रारंभ हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ, श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को साधुवाद कहता हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। बहन हाथ हिला दो एक बार, जहां भी बैठी हो, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसको ही।